तो दोस्तों फाइनली जी फाइव पर रिलीज हो चुकी है नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर की नई मूवी हड्डी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का काफी लंबे समय से इंतजार हो रहा था और अब फाइनली वो मूवी आ ही चुकी है, जिसमें नवाजुद्दीन सर ने एक ट्रांसजेंडर का रोल निभाया है और वो इस रोल में बिल्कुल यूनिक लग रहे हैं। तो दोस्तों ये एक फैमिली रिवेंज ड्रामा मूवी है, तो अब आपको ये मूवी देखना चाहिए या नहीं, क्या ये मूवी आपके टाइम के लिए वर्थ है या नहीं, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करें मूवी के प्लॉट की, तो दोस्तों कहानी एक ऐसे ट्रांसजेंडर की है जो कि इलाहाबाद से दिल्ली जाता है और वहां पर गैंगस्टर्स की टीम को ज्वाइन कर लेता है और फिर पास्ट में हुए फैमिली पर टेक का वो बदला लेता है। वो दोस्तों बात करें इस मूवी के रिव्यू की, तो दोस्तों मैं इस मूवी को अगर एक लाइन में रिव्यू करना चाहूँ तो दोस्तों मैं इतना ही कहूंगा कि ये मूवी एक मस्ट वॉच मूवी है और एक वन टाइम वॉचेबल मूवी है। वो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है अक्षत अजय शर्मा जी ने। वो दोस्तों बात कर ले इस मूवी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में, तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इस मूवी में लीड एक्टर नवाजुद्दीन सर की एक्टिंग बहुत ही जबरदस्त रही है, कि फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत ही काफी अच्छे लगे हैं। इसके अलावा दोस्तों इस मूवी का डायरेक्शन भी काफी अच्छा रहा है और इस मूवी का सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट रहा है इस मूवी का म्यूजिक। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में गाना है बेपर्दा करके, जिसे रेखा भारद्वाज जी ने गाया है और उसे काफी अच्छा इस मूवी में इस्तेमाल किया गया है। जब भी कोई इमोशनल सीन आता है तब उस गाने को यूज किया गया है और ये गाना उस मोमेंट को चांद लगा देता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का नेगेटिव पॉइंट है इसकी स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में यूनिक स्टोरी नहीं है, टिपिकल फैमिली रिवेंज ड्रामा मूवी है ये। शुरुआत के आधे घंटे तो दोस्तों आपको ये मूवी ठीक से समझ में भी नहीं आएगी, हालांकि इसका सेकंड हाफ इस मूवी को जरूर बचा लेता है क्योंकि उसे काफी फास्ट पेस से रखा जाता है और इसका स्क्रीन प्ले भी थोड़ा चौपी और लेगी सा लगता है। इसके अलावा दोस्तों इसके विलन की कास्टिंग भी, अनुराग कश्यप सर इसमें मेन विलन के रूप में नजर आए हैं और वो विलन के रूप में उतने असरदार साबित नहीं हुए हैं। वो दोस्तों बात करें इस मूवी के स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों मेन लीड में तो नवाज सर नजर आए हैं और उनका रोल काफी अच्छा है और उन्होंने ही इस मूवी को पूरी तरीके से बांध कर रखा हुआ था। इसके अलावा दोस्तों इसमें मोहम्मद जीशान अयूब भी नजर आए हैं, हालांकि उनका रोल काफी कम रखा गया है, थोड़ा सा उनका रोल भी डेप्थ में रखना चाहिए था। बाकी उनको जितना रोल दिया गया था वो उस रोल में काफी अच्छे लगे हैं, उनकी एक्टिंग भी सुपर रही है। बाकी एक्टरों ने भी अपने अपने रोल काफी अच्छे तरीके से निभा लिए हैं। पर्सनली मुझे अनुराग कश्यप सर की एक्टिंग ठीक ठाक नहीं लगी है। बाकी आप लोगों का उनकी एक्टिंग के बारे में क्या कहना है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों मूवी एक डिसेंट मूवी है और वन टाइम वॉचेबल मूवी भी है। मैं दोस्तों बात करें रेटिंग की, तो दोस्तों मैं इस मूवी को 5 में से 3.5 स्टार देना चाहूंगा। बाकी आप लोगों ने ये मूवी देख ली तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी है, और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियो और अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।